मेरे साथ दानिश मौजूद है। दानिश, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले यार, हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दें। सुनील भाई, दिस इज अ 2003 टोयोटा MRS। ठीक है, और टोयोटा मेक है और मॉडल 2003 है। सही है, मतलब 20 साल पुरानी गाड़ी होने के बावजूद ये गाड़ी ऐसी चमचम कर रही है, ये लगता है इसमें ताफू फैक्टर ऐड हुआ है। बिकॉज माशाल्लाह, आप हमेशा हर गाड़ी को ऐसा खूबसूरत बनाते हैं, उसका जो इंजन बे है उसको इतना वेल ड्रेस करके रखते हैं कि मज़ा आता है देखने। भाई, वो एक आपने बात कही थी, तो खैर मैं बड़ा टाइम से मेरी ये सोच होती है, जब गाड़ी आप ना संभाल सको ना, तो गाड़ी या तो दे दो या भेज दो। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं गाड़ी लेता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको अपने हिसाब से करूँगा यार। सही है, मुझसे ना ये नहीं होता कि जी वो बम्पर पे निशान है तो इंजन रूम गंदा पड़ा हुआ है। सही है, मैं कहता हूँ गाड़ी रखनी है तो साफ रखनी है। मैं चलाता भी नहीं हूँ, गाड़ी खराब हो तो खड़ी रहती है बस। सही है। सो ये आपने जब गाड़ी ली थी, आई एम श्योर ये हालत में नहीं थी। ऑलमोस्ट ऐसी हालत में थी, क्योंकि जिससे मैंने गाड़ी ली थी वो भी शौकीन है, फात काकड़, उसने भी गाड़ी अच्छी रखी हुई थी। फिर मैंने कुछ एड ऑन किया, आपको पता है, फिर अपने हिसाब से बंदा करता है। सही है। तो मैंने जैसे मीटर डालना था, जिसे कार्बन फाइबर मीटर आपने चेंज किया, कार्बन फाइबर ये हुआ, ये पूरे इसके पिलर हुए, फिर मैंने स्टीयरिंग इसका अपने हिसाब से करवाया। स्टीयरिंग भी नया बना, नया बनवाया। इसमें अप डाउन जो लिखा, ये डाउन डाउन किया, ये बेसिकली हॉर्न हो गया। मैंने इसको, ये गियर शिफ्ट के लिए होता है। सही है, बट मैंने इसमें हॉर्न करा दिया। ठीक है, अच्छा जी। और ये मीटर भी नया लगा, मीटर भी इसमें ब्रांड न्यू डाला। डैशबोर्ड भी आप कैसे चेंज किया? डैशबोर्ड भी पूरा चेंज किया इसका। उसकी क्या वजह? सुनील भाई, डैशबोर्ड जो ऑलरेडी था वो भी बहुत साफ था, बट मुझे, आपको पता है, मैं थोड़ा सा फिनिकी हूं थोड़ा सा ओसीडी है आपको। हाँ, ओसीडी है मुझे। मैं कहता हूँ यार, स्क्रैच ना हो किसी चीज पे। वो भी साफ था, बट वो पड़ा हुआ है, मैंने रखा है, लेकिन मैंने कहा मैं ब्रांड न्यू लेकर डाल दूँ। इंटीरियर में सीट्स भी आपने नहीं बनवाई कि पहले से थी? सीट्स इसकी ऐसी आई हैं, ओरिजिनल ही आई हैं। ये बेसिकली TRD वाली सीट्स होती हैं। सही है। और ये जब गाड़ी मैं ले रहा था उस वक्त फाद ने इसमें डाली हुई थी। अच्छा, ये आपने बाद में डाले, इसमें एंड्रॉइड यूनिट वगैरह, ये इसमें वो जैपनीज लगा हुआ था। सही है। मैंने कहा ना मुझे समझ आनी है ना उसको मेरी समझ आनी है, वो आपस में एक दूसरे की गैप रहेगा। जो मुझे सुनना है मैं सुन नहीं पा रहा था, तो मैंने एंड्रॉइड स्क्रीन डाल दी। अच्छा, जो इसका आपने अभी हम दिखा रहे थे इंजन में, जो इसकी ड्रेसिंग वगैरह की, इसमें क्या क्या कुछ चेंज किया? एयरबॉक्स वगैरह चेंज किया, क्या किया? सुनील भाई, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ इसके जो टैबेट कवर्स होते हैं ना, सही है, उनको मैंने जो एक बड़े खराब से हुए हुए थे, मैंने फिर प्रॉपर इसकी पाइपिंग सही कराई। बेसिकली 2cc में जो ना एयर फिल्टर का पाइप अलग जा रहा होता है। सही है। तो वो लोग क्या करते हैं, OEM वाला लगाते हैं तो वो हिलता ही रहता है। सही है। तो आपकी गाड़ी मिसिंग पे आ जाती है। मैंने प्रॉपर उसको बनवा के SS का, कि वो अपना एयर फिल्टर मैंने जो है इसमें KNS का डाला। अच्छा, इसके एग्जॉस्ट की आवाज बड़ी ज्यादा है और बड़े मजे की आवाज है। एग्जॉस्ट आपने चेंज किया? एग्जॉस्ट मैंने चेंज किया सुनील भाई, इसमें कार्बन फाइबर के जो RenSys के मैंने ड्यूल एग्जॉस्ट डाले। ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगता है वो। मैंने किसी गाड़ी में यहाँ पे नहीं देखा ड्यूल एग्जॉस्ट कार्बन फाइबर टिप वाले हूँ। नहीं, बड़ी खूबसूरत, मैं बता रहा हूँ गाड़ी की ओवरऑल लुक जो, जिसकी आपने LED भी नई लेके डाली है। जी जी। वो गाड़ी को कहीं से भी देखने में नहीं लगता, फॉर नॉर्मल पर्सन, लेमैन की 2003 मॉडल की गाड़ी है, तो बिल्कुल जितनी मॉडर्न आज की गाड़ियां नजर आती हैं, बिल्कुल उसकी लाइट, बिकॉज ज्यादातर पुरानी गाड़ियों में जो है ना लाइट पुरानी लगती थी। आपने सारा कुछ वो भी चेंज कर दिया, ब्रांड न्यू हेडलैम्प्स डाले। ठीक है। साइड मार्कर लाइट, जिसमें टोयोटा की OEM। सुनील भाई, ये वो नहीं है कि यार आपने ना चाइनीज उठा दियो, टोयोटा की OEM। बेसिकली ये मैंने सुपरा के लिए मंगवाई थी लाइटें। अच्छा, तो ना वो रही ना उसकी यादें रही। अच्छा, सुपरा के बाद ये तो एकदम आपने बड़ा डाउन शिफ्ट खैर मारा, वो तो मैंने आपको मना करता था, आपने कर लिया, लेकिन आपने फिर भी इस गाड़ी को लेके बड़ा खूबसूरत बनाया है। सुनील भाई, बेसिकली ये सुपरा की रिप्लेसमेंट नहीं है। सुपरा की रिप्लेसमेंट ऑडियंस को दे लिए, मैं तो एक एपिसोड यूट्यूब चैनल है उसको बताऊंगा, बट आपको मैं बता दूंगा कि गाड़ी मैंने दूसरी लेनी है। मैंने अपग्रेड करना था सुनील भाई, एक एज कर जाती है ना। नहीं, मुझे पता है आप अपग्रेड कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है एक डिंगी है जो आपने कहा कि चलो ऑटो क्रॉस वगैरह के लिए लेते हैं, और इसकी जो खासियत है गाड़ी की वो भी हम यूजर्स को बताते चलते हैं। तो इसमें 1800 cc इंजन होता है, 1801 cc होता है इसमें। ठीक है। बट मेरी गाड़ी में 2cc स्वैप है। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट स्वैप किया है उसमें? आफ्टर मार्केट स्वैप हुआ है, बट ये रिकमेंडेड बाय टोयोटा है। ठीक है। टोयोटा खुद कहता है कि जी आप जो स्वैप करना चाहें ना अगर, तो 2cc स्वैप करें। और 1cc 2cc दोनों 1800 है, बट इसका मेरा ख्याल है ब्लॉक का साइज, ब्लॉक का साइज बड़ा है, प्लस ये हॉर्स पावर में ज्यादा है। अच्छा, कितने हॉर्स पावर है इसकी? ये 210 है। ठीक है। जो 1cc है वो होता है 135-140, तो काफी फर्क है, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। अच्छा, इसका एक और खासियत ये थी कि ये इट्स अ मिड इंजन कार, राइट? जी, जिससे इसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। और मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने उस जमाने में, ऑब्वियसली आप उस टाइम बहुत छोटे थे, हमारे जवानी का जमाना, जब ये गाड़ी आई थी, तो कई लोगों ने इसको डी बैच करके पोर्शे के जो बैचेस भी लगाए हुए थे, बिल्कुल हर लोग समझते थे कि वाकई ये पोर्शे है, बिकॉज इसकी लुक जो है ये नोवेयर टोयोटा की फैमिली से कहीं से मिलती भी नहीं मिलती। सुनील भाई, ये गाड़ी वैसे भी ना, मतलब अगर आप स्टॉक गाड़ी भी देखेंगे बड़ी खूबसूरत लगती है। हाँ, आप अगर आप एड ऑन कर दो, जैसे मैंने किया, मैंने फ्रंट लिफ्ट डाल दिया, मैंने रिम्स वगैरह अच्छे डाल दिए जरा। सही है। टायर साइज जो है ना बड़ा मेरा एंटीक है, आपको किसी MRS में नजर नहीं आएगा। सही है। तो और ड्राइव की ज्यादा बात है सुनील भाई, गाड़ी इतनी स्टेबल है,
कि मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं सुपरा से ज्यादा इस गाड़ी को जो है ना दबने में एंजॉय करता हूँ, क्योंकि सुपरा एक जो है ना वो अनटेम्ड है, वो भी ये ऐसी है आप इसको पाँव दें आपको मजा आएगा, गाड़ी स्टेबल है, कहीं जाती नहीं, आप लेफ्ट राइट करें, बेसिकली ये बनी भी इसी पर्पस के लिए गाड़ी। अच्छा, इसकी जो कन्वर्टेबल रूफ है ये भी उस जमाने के लिहाज से एक इस गाड़ी का बड़ा अप पॉइंट था, बिकॉज ये वो जमाना है जब BMW Z3 और ये जो है ना SLK जो है वो बड़ा टॉप पे जा रही थी जी। तो ये उस जमाने में एक कन्वर्टेबल गाड़ी फ्रॉम टोयोटा आई थी। इसकी जो रूफ है ये मैनुअल कन्वर्टेबल है, ये मैनुअल कन्वर्टेबल है यार, फायदा है मैं बताऊँ, ड्रॉबैक नहीं, जब पुरानी होती है ना गाड़ियाँ, मोटरें खराब, शॉक खराब, R129 Mercedes की खूबसूरत तरीन कन्वर्टेबल SL है, जिसके पास भी है आप गूगल कर लें, उसके नोन मसला शॉक्स का है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस गाड़ी का सामान बीइंग अ टोयोटा, इंजन पार्ट्स तो सस्ते होंगे लेकिन बॉडी पार्ट बिकॉज इतनी ज्यादा नंबर में नहीं आई तो मेरा ख्याल है महंगे होंगे, अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि जैसे मैंने तो मैं जो गाड़ी ले लेता हूँ उसका फॉरम ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसके पार्ट जो है ना वो अवेलेबल हो जाते हैं, बट मैंने ये कंपैरिजन देखा कि बाकी सुपरा से ज्यादा मुझे इसका सामान महंगा लगा है। अच्छा, जैसे आप डैशबोर्ड लिया था, डैशबोर्ड में यही आपको बता, सुपरा का डैशबोर्ड मैंने लिया था उसका डॉलर नीचे था, मैंने 3-3.5 लाख का सुपरा का लिया था, इस टाइम पे मुझे इसका डैशबोर्ड जो है ना 4.5 लाख रुपए का पड़ा है, which includes airbag also, everything, which includes everything, brand new steering, brand new meter, dashboard, everything. और ये इसके अंदर airbag इधर भी है, airbag दो है इसमें, इसका इसको लोगों ने कहीं ने supercharge भी किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, ये supercharge होती है, turbocharge भी होती है, कराची में बल्कि थे उनकी गाड़ी थी, आपके दोस्त की गाड़ी है, सब छोड़ो, हसन भाई के पास लाहौर में वही गाड़ी, जी जी, तो जी, वो supercharge थी और वो भी मेरा ख्याल है काफी अरसा उन्होंने ऑटो क्रॉस उस पे जीती थी, वो बहुत अच्छी चलती है गाड़ी। अच्छा, एक चीज और जो मुझे इस गाड़ी में मैंने जो पहले चलाई थी फील हुई थी कि मुझे इसकी सस्पेंशन थोड़ी डिफ लग रही थी, कि बड़ी थोड़ी स्टिफ लगती थी, इसके आपने एक तो टायर बड़े डिफरेंट साइज के डाले हुए लेकिन ड्राइव में बड़ी स्मूथ है और कोई बम्प शम्प्स नहीं आ रहे, आपने सस्पेंशन में भी कुछ किया जी? मैंने इसका पूरा ब्रांड न्यू शॉक्स चारों, इसके जो रोटर्स हैं वो ब्रांड न्यू, ठीक है, तो मैंने ये सब चीजें, मैं गाड़ी लेता हूँ सुनिल भाई, पहले मैं ये काम करता हूँ कि सबसे जरूरी चीज आपके टायर्स हैं, आपका सस्पेंशन है, सही है, आप बॉडी वर्क सारा बाद में कर सकते हो, शोबाजी वाला, सही है, मैंने इसके चारों शॉक्स OEM ब्रांड न्यू मंगवा के, मैंने कोई कॉइल ओवर्स नहीं डाले, लगे कॉइल ओवर्स में सस्ते मिल रहे थे, सही है, मैंने इसके OEM शॉक्स मंगवाए वो डाले, मैंने इसके सारे बुशिंग किट, हालांकि ठीक थे वो बिल्कुल, मैंने सारी बुशिंग किट डाली, मैंने रोटर्स के चारों मंगवाए नए डाले, ब्रेक पैड्स तो कंप्लीट ब्रांड न्यू सस्पेंशन, जिसकी वजह से गाड़ी की ड्राइव बिल्कुल ब्रांड न्यू आपके सामने है सुनील भाई, आपको आपने गाड़ी ली कितने की थी, इफ आई एम नॉट, अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूं जी, नहीं नहीं सुनील भाई, मैंने 48 लाख की ली थी ये गाड़ी, और ऊपर लगाया मुझे तकरीबन आप समझे मैंने 1.5 मिलियन लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा, सर्विस कराते किससे हैं इसकी? मैं सुनील भाई मेरे पर्सनल मैकेनिक है, अपने घर पे बंदे आते हैं, करते हैं जी, घर पे ही सारा काम होता है, मैं गाड़ी कहीं किसी वर्कशॉप पे नहीं देता कभी भी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस बड़े खराब है वर्कशॉप के साथ। अच्छा, सुपरा के टाइम से मैंने सेलेगा पे डजे खाई थी, उसके बाद मैंने तैयार कर लिया था गाड़ी घर पे बनाऊंगा, मैं कहने को कहता हूँ तू डबल पैसे ले, घर पे आगे काम कर चाहिए, मेरी नजर के सामने काम होना चाहिए। अच्छा, आपने इसकी इंश्योरेंस वगैरह कराई कि 20 साल पुरानी गाड़ी के तो लोग कहते हैं यात्रा कराने की जरूरत नहीं? कराई सुनील भाई, मेरे घर में थोड़ा सा मेरे वाले साहब की वजह से इंश्योरेंस का वो है, वो कहते हैं यार सदका वगैरह दो अल्लाह वाले के, बाकी आयतल कुर्सी वाली इंश्योरेंस, आयतल कुर्सी वाली 3 दफा वाली पे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, कोई चीज इस गाड़ी में जो कि आप मिस करते हो, मतलब होता है ना हर गाड़ी में बंदा कहता है यार ये चीज हो जाती तो ले ले, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ट्रैक्शन कंट्रोल की बात है, ट्रैक्शन मिस करता हूं, प्लस मैं इसमें एक चीज मिस करता हूं, इसका मुझे ऐसा लगता है कन्वर्टेबल इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाला होना चाहिए था। नहीं, वो मैं आपको बरादराना मशवरा बता रहा हूं कि वो अच्छी बात है कि नहीं है, वो बाद में बहुत तंग करता है, अभी तो देखे ना 100% रिलायबिलिटी है, जब दिल किया खोल लिया, जब दिल किया बंद कर लिया, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा। इसकी सीटिंग जो पोजिशन है ये थोड़ी जरा ज्यादा नीचे है, मतलब सीट ऊपर नहीं हो सकती, तो यू आर वेरी क्लोज टू ग्राउंड। सुनील भाई इसमें फील भी बैठ गया, आप वो ये आता है कि आप जमीन पे बैठे हुए हो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, बैठे तो हुए हैं और फील भी आती है, तो ये जो फेज 8 वाले कार ब्रेकर्स हैं, ये जो कराची के कार ब्रेकर हैं, उनमें कितना को लगती है नीचे? लगती है सुनील भाई, क्योंकि इसका साइज भी है तो लटक जाएगी ऊपर। जी सुनील भाई, ये झूला देती है, फिर आप बीच में बच्चे को बैठा लो, बेसिकली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है सुनील भाई, लेकिन ये वैसे आप हम बैठे ना ऐसा लग रहा है बहुत नीचे बैठे हैं, लेकिन आप किसी भी ब्रेकर पे घुसरे आप सीधी ले जाए, वो लिप ना हो, वो मेरे लिप की वजह से गाड़ी और लोवर्ड लगती है जरा, वरना ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत अच्छी है, आप क्रॉस करें सीधा। आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर होने में आपके टायर साइज का हाथ भी होगा, टायर साइज का बहुत बड़ा हाथ है। चले व्यूअर, ये था आज का रिव्यू, अजान शुरू हो गई है, मैंने कहा आप लोगों को हम कराची आए थे आपसे शेयर कर लें, अगले रिव्यू में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वालों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।